हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और हम सब लोग जा रहे हैं मंदिर। और आज बहुत ही खास दिन है, बहुत ही स्पेशल डे है मेरे लिए, क्योंकि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। तो जन्मदिन को और भी खास बनाने के लिए हम लोग जा रहे हैं मंदिर पूजा करने के लिए। और ये मंदिर कुछ ही साल पहले बना है और इस मंदिर का नाम हम लोगों ने बहुत ही सुना है, तो सोची कि चलो शिव के बर्थडे को सेलिब्रेट भी कर लेंगे और पूजा भी कर लेंगे। तो चलिए, हम लोग मंदिर भी पहुंच चुके हैं और मंदिर का आगे का दृश्य भी आप लोग को हम दिखाएंगे। हाय, बोलो। हाय दाई, कैसे हो? बोलो। भाई कैसे हो? भाई बोलो। कैसे हो भाई? बोलो। आई एम फाइन, आई एम फाइन। तो फ्रेंड्स, मंदिर हम लोग पहुंच चुके हैं और हम लोगों की जो कार है वो पार्किंग हो चुकी है यहाँ पे। और जहाँ पे कार पार्किंग की जगह थी वहाँ पे ही भैया ने दुकान लगाया था, फूल और प्रसाद जो चढ़ता है वहाँ पे सो। तो हम सभी लोगों ने यहीं से फूल और प्रसाद लिए हैं पूजा के लिए और अब चलेंगे मंदिर की ओर पूजा करने के लिए। तो चलिए, ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा फ्रेंड्स, और चैनल पे जो न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, ये मंदिर का प्रवेश द्वार है, श्री श्री राम राज मंदिर इस मंदिर का नाम है। ये झारखंड स्टेट के धनबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जहाँ पे मनोज डे का घर है धनबाद में। आप लोग को पता होगा क्योंकि वो बहुत ही फेमस यूट्यूबर है और उनको कौन नहीं जानता है यूट्यूब पे। तो उनके घर से ये मंदिर लगभग 25-30 किलोमीटर दूर है और मेरे घर से ये मंदिर का जो दूरी है वो भी 25-30 किलोमीटर है। तो फाइनली ये मंदिर बीच में पड़ता है, मनोज डे के घर से और मेरे घर से बीच में पड़ता है। और देखिए, हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं और मंदिर का पट अभी बंद है क्योंकि मंदिर के अंदर में अभी पूजा हो रही है। तो हम लोग कुछ देर यहाँ पे वेट करेंगे पट खुलने तक। तो यहाँ पे देखिए, ये घंटी नहीं घंटा बोल सकते हैं, तो बच्चे सब जो हैं बजा नहीं पा रहे हैं, तो वही थोड़ा सा यहाँ पे मस्ती हो रही है कि इतना भारी घंटा लगा हुआ है कि बच्चे भी नहीं बजा पा रहे हैं। और हम सब लोग यहाँ पे मंदिर का जो द्वार है, आंगन है, वहाँ पे बैठे हैं, वेट कर रहे हैं भगवान जी का कि पट कब खुलेगा। और यहाँ पे मेरी जो प्रसाद की डाली है वो तैयार है और हम सब लोग यहाँ पे बैठे हैं। और फ्रेंड्स, ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा और देखिएगा रामराज मंदिर का जो दृश्य है वो कैसा है। तो यहाँ पे फाइनली पट खुल चुका है। तो बोलिए मेरे साथ, जय सियाराम, हर हर महादेव। और तो ये जो मंदिर है इसमें स्थापित है माता सीता की और राम जी की मूर्तियां स्थापित की गई है, साइड में हनुमान जी की मूर्तियां स्थापित की गई है। और बहुत ही सुंदर दृश्य था भगवान जी का और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया था। और क्लीनिंग का जो खास ध्यान रखा गया है वो बहुत ही अच्छा है। मंदिर के अंदर किसी को प्रवेश करना नहीं है, बस नाम बताना है और पूजा हो जाएगी। उसके बाद हम लोग वहाँ पूजा करवा करके आ गए हैं यहाँ पे। और ये जो मंदिर है यहाँ पे सभी को बारी बारी से टीका लगाया जाता है, पंडित जी टीका लगाते हैं। और ये जो है राधे कृष्ण की मंदिर है, तो सब लोग आप लोग हाथ जोड़ करके प्रणाम कीजिए और अपने अपने आशीर्वाद लीजिए और अपने अपने मुरादों को बोलिए, क्योंकि यहाँ पे भी मुरादें सबकी पूरी होती है। और यहाँ पे अच्छू भी ले रहा है टीका।
उसके बाद हम लोग आ गए हैं शंकर भगवान जी के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में, और यहाँ पे भी पूजा हो रही है। तो आज शिव का बर्थडे है और शिव का बर्थडे है और सावन का महीना चल रहा है, तो अगर हम लोग मंदिर पहुँचे हैं तो ये तो भाग्य की ही बात है, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा तब तक हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा सिचुएशन हुई तो हम लोग का प्लानिंग बन गया इस मंदिर में आने का, नहीं तो हम लोग बहुत दिनों से सोच रहे थे बट हो नहीं पा रहा था। लेकिन फाइनली देखिए शिव का बर्थडे आया और उस दिन हम लोगों ने प्लानिंग बनाया और सक्सेस भी हो गया और हम लोग आ गए मंदिर पूजा करने के लिए। उसके बाद लास्ट में हम लोग यहाँ पे नारियल तोड़ेंगे और अपनी जो भी मुरादें हैं वो अपने चुन्नी में बांध करके यहाँ पे आप बांध सकते हैं, क्योंकि हर मंदिर में अब ये है ना कि अपनी मुरादें को बांधो बोल करके चुन्नी में, तो जब मुरादें पूरी हो जाए तो फिर आके दर्शन करते हैं लोग, ऐसा मान्यता है। उसके बाद फाइनली हम सभी लोगों ने पूजा कर लिया है और इधर आ गए। आप लोग को दिखाती हूँ मैं कि ये जो है बहुत ही बड़ा तालाब है और यहाँ पे बोटिंग भी होती है। हमको लगता है बड़े लोग नहीं करते होंगे बट बच्चे लोग ज़रूर करते होंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए मेरा छोटा बाबू को कितना बदमाशी कर रहा है, और ये तो पानी का कीड़ा है, जहाँ पानी मिला ये छोड़ेगा नहीं। और ये देखिए बार बार ये पानी में ही जाना चाहता है। इतना छोटा सा देखने में है लेकिन है बहुत बड़ा पटाखा है ये। बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद आप लोगों को लास्ट में मैं दिखा रही हूँ मंदिर का लुक कि कितना अच्छा से, कितना भव्य, कितना सुंदर बनाया गया है ये मंदिर। हम लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा था बट टाइम के अभाव में हम लोग को जल्दी ही आना पड़ा, क्योंकि बर्थडे सेलिब्रेट करना था और मेरे मेहमान जी को, एक मेहमान जी थे जिनको ड्यूटी भी अटेंड करनी थी, तो हम लोग वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए, बस पूजा पाठ की और फिर तुरंत हम लोग आ गए घर। और आज के दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा धूप भी लग रही थी, और मार्बल जो लगा हुआ था ना उससे धूप और भी ज़्यादा हम लोग को लग रही, मतलब सभी लोगों को लग रही थी। और यहाँ पे देखिए पानी में फिर आ गया है बाबू और पानी से निकलना ही नहीं चाहता है। उसके बाद देखिए जहाँ पे मंदिर हो या तीर्थ स्थल हो वहाँ तो छोटी मोटी दुकानें लगी रहती है, खाने पीने की चीज़ें और भी बहुत सारी छोटी मोटी दुकानें लगी हुई थी। और यहाँ पे देखिए छोले भटूरे के भी दुकान लगे हुए हैं, किनको किनको छोले भटूरे पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पे तन्नू और शिव देख रहा है बैंड, क्योंकि उन लोगों को हैंड में जो बैंड बांधा जाता है ब्लैक कलर का वो लेना था तो देख रहा था। उसके बाद फाइनली हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए, और धूप का तो क्या ही बोल सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग चलते चलते बीच रास्ते में रुक गए हैं, क्योंकि दोपहर का टाइम हो रहा है और सभी लोगों को लग गई है बहुत ज़ोरों से भूख। कोई होटल में हम लोग नहीं रुके थे क्योंकि हम लोग खाना जो है घर से ही बना के ले गए थे, तो हम लोग जगह देख रहे थे कुछ ऐसा जगह मिल जाए अच्छी सी जहाँ पे धूप ना हो और हवा भी बहुत अच्छे से लगे, उस जगह पे आराम से बैठ करके हम लोग खाएँ। तो फाइनली रोड के इस साइड दूसरी साइड में हम लोग को ऐसा जगह मिला जहाँ पे हम लोग आए, सब लोग बैठे फिर खाना खा रहे हैं। और ये जो खाना है हम लोग सुबह ही बना के लेके गए थे, पूरी छोले पूरी और खीर बना के लेके गए थे, सब लोग खा रहे हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तालाब भी है, बहुत ही अच्छा नज़ारा था, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। और दोनों बच्चों को देख सकते हैं, जितना भी छोटा छोटा जो पत्थर रखा हुआ वो उन लोग का काम था, यहाँ से फेंकना उधर फेंकना वही दिन, वो जब तक हम लोग वहाँ पे रहे तब तक दोनों का काम वही रहा, उधर फेंकता ही रहा। और इधर हम तीनों बहन का थोड़ा कुछ बातों पे मस्ती चल रही है, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और हम लोग बाहर में खाना खा रहे हैं, तो वही बोल रहे हैं कि सावन के महीने में वनभोज हम लोग
आए हैं वनभोज करने के लिए, मतलब पिकनिक मनाने के लिए। और ये जो ट्रेन का डब्बे में जा रहा है वो है कोयला। उसके बाद फ्रेंड्स हो गई है शाम का टाइम, और यहाँ पे देखिए केक भी आ चुका है। और हमें मेरी छोटी बहन जा रही है, क्योंकि उसका घर यहीं पे नज़दीक में है तो वो 10 मिनट में पहुँच जाएगी। और मेरा घर मेरी बहन के घर से 1 घंटे का रास्ता में पड़ता है, तो मैं वहीं पे रात भर रुक जाती हूँ। और देखिए फाइनली अब सुबह हो चुकी है, और मुझे शिव को भी पहुँचाना है स्कूल, फिर तन्नू को भी पहुँचाना है, घर भी आना है। तो सुबह का जो टाइम मेरा था वो बहुत ही भागम भाग वाली हो गई थी, और मैं लगभग 3 बजे उठी थी। ब्रेकफास्ट भी अपनी बहन के यहाँ ही बनाई थी, आलू का पराठा बना ली थी, क्योंकि घर आती तो फिर तन्नू के लिए मुझे लंच बॉक्स तैयार करना पड़ता, तो वहीं मैं तैयार कर ली थी। तो फाइनली अभी 5:30 बज रहा है और मैं शिव का स्कूल पहुंच चुकी हूं, क्योंकि वो हॉस्टल में रहता है तो एक दिन भी स्कूल एब्सेंट होना नहीं चाहिए। और मंडे का दिन था तो मंडे टू मंडे उसका टेस्ट रहता है, तो अगर मैं एब्सेंट करा देती तो टेस्ट छूट जाता, जो अच्छा नहीं होता बच्चों के लिए। तो फाइनली मैंने टाइम पे शिव को पहुंचा दिया स्कूल। उसके बाद हम चल पड़े फिर अपने घर की ओर, और घर पहुंच करके फिर तन्नू को मैं तैयार करवाई, मतलब तन्नू तो खुद तैयार हो जाती है, बट जो उसका पानी बोतल रहता है वाटर बोतल वो तैयार करवाई। फिर ब्रेकफास्ट जो लंच बॉक्स था उसको मैं डाली और दी, और फाइनली अब तन्नू भी स्कूल जा रही है, उसका भी स्कूल नहीं छूटा। तो फ्रेंड्स अब मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। अगर ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ, बाय, टेक केयर।